नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। વાપીમાં કાર્યરત વાપી વિમન્સ ક્લબની સભ્ય મહિલાઓએ કરી છે। આ 18 વર્ષથી સામાજિક કાર્યક્ષેત્રે પોતાનું યોગદાન આપતી સંસ્થા છે, જેઓએ લોકોમાં સર્વાઇકલ કેન્સર અંગે જાગૃતિ આવે તે માટે ખાસ સર્વાઇકલ કેન્સર વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ હાથ ધરી છે, જે અંગે એક પત્રકાર પરિષદ યોજી વિગતો આપી હતી। આજકાલ દેશમાં ખાસ કરીને મહિલાઓમાં થતા સર્વાઇકલ કેન્સર અંગે ખૂબ જ જાગૃતિ આવી છે, તેમજ આ માટે ખાસ પ્રકારની વેક્સિનની શોધ બાદ તેના ડોઝ લેવાનું પ્રમાણ પણ વધ્યું છે। જો કે આ વેક્સિનની કિંમત સામાન્ય પરિવારના ગજા બહારની હોય એ માટે અનેક સંસ્થાઓ દ્વારા દાતાઓની મદદથી આ HPV વેક્સિન્સના ડોઝ નજીવી કિંમતમાં કે નિઃશુલ્ક પૂરા પડવાની પહેલ કરી છે। साथ ज उल्लेखनीय है कि सर्वाइकल कैंसर सामे रक्षण आपती HPV वैक्सिन्स नी हाल में मार्केट किंमत अंदाजे 4000 रुपया आसपास है, जे 12 वर्ष की किशोरी थी लईने उमर लायक महिलाओं सुधीनी उमर ने आधार 10000 रुपया सुधीनी किमते पण वेचाय छे, त्यारे आ संस्थानी पहल आवकारदायक छे। नमस्कार, मैं शिल्पा अग्रवाल, वापी विमेन्स क्लब की प्रेसिडेंट। आज हम यहाँ पे हमारे एक अपकमिंग फंड रेजिंग इवेंट बिंगो नाइट के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये बिंगो नाइट जो है एक फंड रेजिंग इवेंट है, जो कि हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन के लिए कर रहे हैं। डेट है 15 सितंबर और प्लेस है रज्जू चौक ऑडिटोरियम, नामदा चला, नामदा वापी। और इस इवेंट जो हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है HPV वैक्सीन, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स को प्रोवाइड कर पाएँ। और ये पूरे प्रोग्राम में जो हमारे को पावर्ड बाई स्पॉन्सर है वो परम ग्रुप है, और साथ ही श्रीदान होटल और श्री विद्या निकेतन स्कूल, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। उसके अलावा हमारे गिफ्टिंग पार्टनर द सेलफोन स्टूडियो, हमारे सोशल मीडिया पार्टनर नमस्ते वापी, और काफ़ी लोगों ने, वापी की जनता ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारा साथ दिया कि हमने जैसे ये प्रोग्राम अनाउंस किया हमारा मोर देन 75% टिकट्स जो था बुक हो गया था। और ये जो प्रोग्राम है उसके बाद में हमने डिनर का उसमें आयोजन किया है, और संडे का दिन है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी वापी की जनता को बोलते हैं कि जिन्होंने भी बुकिंग करवा दी है वो लोग वहाँ पहुँचे और एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम के साथ साथ एक नोबल कॉज के लिए भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे। और इसी तरह के प्रोग्राम वापी वुमेन्स क्लब करता आया है सालों साल से, 18 साल हो चुके हैं इस क्लब को, और आगे भी हमेशा इस तरह के प्रोग्राम करता रहे। और आप सभी जो मीडिया पर्सन का हमेशा हमें जो सपोर्ट रहता है वो भी वाकई काबिले तारीफ है कि आप हमेशा सपोर्ट करते हैं वापी में किसी भी तरह का अगर इवेंट होता है, स्पेशली अगर कोई नोबल कोज के लिए या इस तरह के इवेंट करते हैं तो आप सभी हमेशा उपस्थित होते हैं, कवर करते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। हाँ जी, ये जो है बिंगो नाइट जो इवेंट है उसके जो जिस ऑडिटोरियम में हम कर रहे हैं उसका कैपेसिटी 600 है। हमारी ऑलमोस्ट सारी टिकट्स बुक हो चुकी है, ये जैसा मैंने बोला बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। और ये पूरे प्रोग्राम के बाद में जो हम सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन करेंगे उसका जो फर्स्ट फेज, हमने जो फर्स्ट कैंप है वो 100 गर्ल्स 13 साल से 18 साल के उम्र की जो लड़कियाँ हैं उनके लिए हमने रखा है, और उसकी जो डेट है वो हम जल्द ही अनाउंस करेंगे। और ये पूरा का पूरा कैंप है वो मेडिकल सुपरविजन में, मेडिकल प्रिमाइस में ही किया जाएगा, तो उसकी डिटेल्स भी हम आपको जल्द ही शेयर करेंगे। 100 फर्स्ट जो कैंप है उसमें 100 गर्ल्स दोनों डोजेज हम उनको देंगे फर्स्ट डोज के बाद में, एज अ रिमाइंडर उनको सेकेंड डोज के लिए मैसेज और कॉल जाएगा। और हम ये इंश्योर करेंगे कि जिसने भी फर्स्ट डोज लिया है वो सेकेंड डोज उसको जरूर जरूर दी जाए, तभी उस चीज का हमें रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, ये जो इसका नॉर्मल जो वैक्सीन है वो मार्केट में अलग अलग रेट है, बट एक रफली ये 4500 में इसका एक वायल जैसे मिलता है। और हम जो यहाँ पे देंगे वो 200 रुपये एक नॉमिनल, मतलब टोकन चार्जेस हमने सोचा है कि हम एक 200 रुपये लेंगे, क्योंकि निःशुल्क अगर किसी भी चीज़ को किया जाता है तो उसका वैल्यू नहीं होता, तो टोकन अमाउंट तो हम भी लेने वाले हैं। और इसका एग्जैक्ट जो पूरा डिटेल है, डेट टाइम और जो चार्जेस है और कितने जो होगा, एक रजिस्ट्रेशन लिंक हम ओपन करेंगे, वो सारा जो डिटेल है वो हम जैसे ही डेट अनाउंस करेंगे हम आपको इसका डिटेल्स देंगे।
ये 100 गर्ल्स का टारगेट है वो हम जरूर पूरा करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हम एक कैंप तक ही सीमित ना रहें, दूसरा कैंप भी हम जरूर जरूर करें। हाँ जी, ये फर्स्ट जो कैंप है वो हमने ट्राइबल के लिए नहीं सोचा है, क्योंकि सबसे पहले तो जैसा बोला जाता है ना कि चैरिटी की शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से दूर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाके उन बच्चियों को हम ये वैक्सीन दें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारे आसपास में जो बच्चियाँ हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं, उनके पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं एक ये मिथ्या धारणा है कि इस वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं, वो दूर होगा। और एक उसका सबसे बड़ा जो लाभ ये होगा कि अगर हम हमारे आसपास में बच्चियों को ये देंगे, उससे अवेयरनेस, जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है वो बढ़ेगी, कि जब यहाँ आसपास के लोग होंगे तो वो जब बताएंगे कि भी अगर मैं मेरी बच्ची को या हम किसी आसपास के देते हैं तो वो अपने सराउंडिंग में अपने रिलेटिव्स को सबको बताएंगे कि भाई मैंने मेरी बेटी को एक्चुअली वैक्सीन दिया है, आप भी जरूर दो। तो ये शुरुआत हम हमारे ही पास में हो सकता है मेरे मेरी जो मेड है उसकी बच्ची का मैं करवाऊँ, मैं उसको समझाऊँ कि तुझे करवाना चाहिए वैक्सीन देना, उससे पहले उनको वैक्सीन के लिए प्रिपेयर करना वो एक बहुत बड़ी बात है। तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसा आपने पूछा कि कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, ये स्टार्टिंग में जब हम इसको ये प्रोग्राम को अनाउंस करेंगे कैंप को, तो ये ओपन ही रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि सब लोग अपने आप सामने से इसका रजिस्ट्रेशन के लिए आए, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो ये प्राथमिक शाला है हम वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके एक प्राथमिक शाला में जो इस उम्र जो हमने एक रखा है उम्र की सीमा रखी है उसके बीच में जो आते हैं वहाँ पे दे सके। और ट्राइबल एरिया को भी ये आप सभी के सपोर्ट से हम चाहेंगे कि हम जरूर उसको भी टच करें, वहाँ तक पहुँचे, पर ये फर्स्ट कैंप में नहीं है, आगे के इसमें हमने इसको प्लान किया हुआ है।